हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफ़ी टाइम के बाद दोस्तों आज फिर से लाइव क्लास लेके आए हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि कुछ हैपनिंग ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से क्लासेस हम नहीं डाल पा रहे थे। तो अब जो होगा, आपका क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेंगी, बीच में आप कोई इंटरप्टेड नहीं होगा। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में, यानी कि आपको एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया था, और एवरेज का यानी कि पहला ही पार्ट आपका अपलोड हुआ था, जिसमें यानी कि आपका बेसिक चीज़ एवरेज का कराया गया था। आज की क्लास में एवरेज का यानी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि हमारी नई वीडियोस जब भी अपलोड हो या नई क्लास आपकी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, एवरेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका बनता है। तो जैसा कि कहता है दोस्तों कि किसी समूह में व्यक्तियों के आने जाने से संबंधित प्रश्न, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आपका जो है कि एक जरूर पूछता है, वन डे एग्ज़ाम से लेके आपका जो भी एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन जरूर इस एवरेज से रिलेटेड जरूर आपको देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं, एवरेज में आपका ये टाइप कहता है किसी समूह में व्यक्तियों के आने जाने से संबंधित प्रश्न, यानी कोई भी ग्रुप है उसमें किसी व्यक्ति के आ जाने से उनके औसत उम्र में या औसत वेतन में या औसत जो भी किसी भी चीज़ का वजन में वृद्धि हो जाती है, या कोई भी व्यक्ति समूह में से समूह छोड़ करके चला जाता है तो उस समूह के औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए चलिए उस टाइप के क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जैसा कि किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि अध्यापक की उम्र भी शामिल कर दिया जाए तो औसत उम्र 13 वर्ष हो जाती है, अध्यापक की उम्र क्या होगी। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि एवरेज क्या होता है, एवरेज जो होता है वह पर्टिकुलर जो है कि सारे लोगों का अलग अलग होता है, और टोटल एज निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ जो है नंबर आपको पदों की संख्या गुणे आपका एवरेज अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो टोटल नंबर हमको पता हो जाता है। तो जैसा कि एवरेज कह रहा है कि किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है, आपका कह रहा है कि 20 छात्र हैं और इनकी औसत आयु कितनी है, 12 है। अगर 12 लोगों का अगर हम आपको टोटल एज निकालते हैं तो आपका इसमें क्या होता है, 20 गुणे 12 बराबर आपका 12 दुनी 24, 240, यानी 240 जो आया ये 20 छात्रों का टोटल एज आ गई 240 साल, ठीक है। अब कह रहा है यदि अध्यापक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 13 वर्ष हो जाती है, पहले कितने लोग थे, 20 छात्र थे। अब यहीं पे अगर टीचर को भी ऐड कर लेते हैं हम तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अब 21 लोगों की औसत उम्र कितनी हो जा रही है, 13, एक लोगों की उम्र कितनी हो जा रही है, 13, 21 लोगों की टोटल कितनी हो जाएगी, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 * 13 = 3 हो गया, 13 * 26 = 27, 273 हो गया, यानी कि 21 लोगों की औसत उम्र 273 और 20 लोगों की औसत उम्र 240। तो देखिए इस 21 में जो है 20 छात्र हैं और एक टीचर है आपका, तो टीचर का अगर हमको निकालना हो तो टोटल यानी कि टीचर और स्टूडेंट में से हम स्टूडेंट को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, टीचर। तो टीचर बराबर 273, टोटल इसमें 21 लोग हैं टीचर को ऐड करके, इसमें से हम क्या करते हैं स्टूडेंट को निकाल देंगे 240 को, ठीक है, ये आपका 33 ईयर्स का, यानी जो आपका टीचर रहा वो कितने साल का रहा, 33 ईयर्स का। यू विल गेट आंसर 33 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ टीचर्स जो ग्रुप में आया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया आपका। तो आइए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने, और आपको हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने जो है कि फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग हों उनको आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कि कुछ जो फाइनेंशली रूप से जिनको हम जो है कि आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से जो है इस कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते हैं उनके लिए, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट
पास इस तरीके से लाइव क्लासेस दी जा रही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, एक और टाइप का। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक बैंक के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 3800 रुपये है। यदि मैनेजर के वेतन को शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन में ₹400 की वृद्धि होती है। मैनेजर का वेतन कितना था? दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक बैंक के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 3800 रुपये है, यदि मैनेजर के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन जो है 400 रुपये की वृद्धि हो जाती है। औसत वेतन में 400 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मैनेजर का वेतन कितना था? पहले 20 इंप्लाई थे, ठीक है, और इस 20 इंप्लाई का जो है कि कितना औसत वेतन था? 3800, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल 20 लोगों का कितना हो जाएगा आपका? 3800 गुणे 20 बराबर ये आपका 76,000 हो जाएगा। यानी 2 8 16 को 6 हो गया, 2 3 7 6 1 7 और 3 0 2 0 इसका 8 0, यानी इतना 20 कर्मचारियों का। अब कह रहा है अगर हम 20 इम्प्लाई की जगह 20 में हम एक क्या करते हैं, मैनेजर को भी ऐड कर लेते हैं, तो हमारा औसत वेतन में 3800 की जगह 400 की वृद्धि हो जा रही है। यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे? अब 21 लोग हो जाएंगे और 38 में 400 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा इसका औसत वेतन। तो 21 लोगों का टोटल निकालेंगे तो 4200 बराबर ये आपका देखिए कितना आ जाएगा, 4200 गुड़े आपका 21 ये 8400, यानी 21 लोगों का कितना आ गया टोटल? 8400। अब इसमें देखिए 20 जो है इम्प्लाई का भी है और एक मैनेजर का भी है। इम्प्लाई का कितना है? 76,000 है। तो हमको यानी कि इम्प्लाई का निकाल देंगे तो हमारा कौन सा बचेगा? मैनेजर ही बचेगा। तो हम क्या कर लेंगे, इम्प्लाई और मैनेजर में से हम इम्प्लाई और को निकाल लेते हैं। कितना है आपका? 76,000, ठीक है, आपका 84,000 होगा, ठीक है, 42, ठीक, इसमें आपका 8,000 यू विल गेट आंसर। 8,000 जो होगा वो आपका
किसका वेतन हो जाएगा? मैनेजर का। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेस जो है कि जल्द आपको जो है अपलोड की जाएगी, जिसमें औसत का यानी नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा। तो जैसे अभी की क्रमागत सम और विषम संख्याओं का भी औसत इतना होता है, तो वो भी रिलेटेड करके क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्लासेस जो है कि तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा ऑफ विद इन द जो है 24 आवर्स के अंदर ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सके तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।